डिकस so करेंगे एंड जो लोग पहली बार लेक्चर देख रहे हैं सारे लेक्चर्स देखोगे तो करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इशूज आपके कॉम्प्रीहसि कवर हो जाएंगे ओके डो नॉट वरी एंड लेक्चर uh, की चिंता मत करें आप लेक्चर्स रेगुलरली आते रहेंगे मोमेंटम जो है लेक्चर्स का नंबर ऑफ लेक्चर्स का करेंट अफेयर के अंदर भी इंक्रीज करेंगे ओके एंड बिफोर गोइंग इन टू दैट यूट्यूब की जो भी पीडीएफ फाइल है एपीएफसी और ए की जो भी क्लासेज हो रही हैं यूट्यूब के ऊपर उन सबकी पीडीएफ फाइल आप एक्सेस कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका एंड अगर आप कॉम्बो कोर्स लेते हैं इसके अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस सोशल सिक्योरिटी गैप के आपको एमसीक्यूज मिलते हैं

पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये फार्मर्स को हेल्प करता है टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स अच्छा जी टॉक्सिक केमिकल्स पे फार्मर को डिपेंडेंस बेसिकली पेस्टिसाइड्स वगैरह जो टॉक्सिक होते हैं दूसरा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर काम करता है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पहला दूसरा दोनों या नीदर तो इस केस में आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दैट विल बी ऑप्शन ए वन ओनली टॉक्सिक केमिकल्स की डिपेंडेंस रिड्यूस करने के लिए काम करता है लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर नहीं है बेसिकली इट इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है तो पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दो में फाउंडेशन हुई थी वेरियस जो हजार uh, होते हैं आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा दैट सर्टन फार्मर फेल कॉन्शियस बेहोश हो गए या डेथ हो गई वो रीज़न क्या होता है जो वो पेस्टिसाइड यूज करते हैं प्रॉपर गेयर के बिना प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस के बिना यूज करने का रीजन होता है या एनवायरमेंटल हेजार्ड भी इसके बहुत सारे होते हैं जैसे वन ऑफ द एनवायरमेंटल हेजार्ड ऑफ यूजिंग यू नो दिस पेस्टिसाइड जो आपका uh, जो क्रॉप्स uh, हैं वो केमिकली डिग्रेडेड हो रही है आपका लैंड का सॉइल इरोजन हो रहा है आपका वाटर बॉडीज जो है वो आपकी रिस्क पे है ओके okay, तो वो सबको कम करना है फार्मर का डिपेंडेंस अल्टीमेटली कम करना है इन टॉक्सिक केमिकल्स के ऊपर और ऑर्गेनिक फॉर्म के ऊपर ज्यादा जाना है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है कैपेसिटी बिल्डिंग क्रिएट करना है ताकि सेफली वो उसको यूज कर सके जो उनके लिए भी सेफ हो और इकोलॉजी के लिए भी सेफ हो ठीक है तो मोटा मोटा आपने क्या याद रखना है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सेफ यूज ऑफ पे साइड को एक तरीके से प्रमोट कर रहा है सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स अब ये कमीशन वगैरह ना न्यूज में आते रहते हैं इनका रेफरेंस कहीं ना कहीं आता रहता है और अब आप इसको या तो स्टैटिक क्वेश्चन में कर लो पॉलिटी के अंदर ठीक है या करंट अफेयर के अंदर कर लो देखो बेसिकली जब हम करंट अफेयर की बात करते हैं ना करंट अफेयर इज नॉट ओनली अबाउट कि वो फैक्ट पूछ लेगा कि हाँ भाई ये बोला था मोदी ने या ये बोला था अमित शाह जी ने या ये बोला था राहुल गांधी ने ठीक है ऐसा नहीं होता बेसिकली न्यूज के अंदर क्या रहा है तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट ये सब न्यूज के अंदर आते रहते हैं घूमते रहते हैं गोल गोल ओके okay, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब में आपको स्टेटमेंट दिया है कहता है पहला स्टेटमेंट कहता है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एंस्टिट्यूशनलेंट एक्टेंड थ्री के साथ स्टैब्लिश किया गया था दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो चेयर पर्सन होता है ना इस कमीशन का उसको यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया जाता है ठीक है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया जाता है तो अल्टीमेटली आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ओके तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए पहले तो कि अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था ठीक है दोनों बेसिकली फैक्चुअल स्टेटमेंट्स ही हैं APFC में तो इस टाइप का डायरेक्टली क्वेश्चन वो पूछ सकता है अब के अंदर अगर फैक्चुअल क्वेश्चन वो पूछेगा भी तो उसमें वो डायरेक्टली पूछ लेगा कि भाई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब कौन सी अमेंडमेंट से आया था ऑप्शन ए बी सी डी उस तरीके से भी आ सकता है ठीक है अब यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू बोथ वन एंड टू विल बी द राइट आंसर ओवर हेयर ओके दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो एनसीजीएसटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं स्टैब्लिश किया गया था आर्टिकल 338 को अमेंड करके किस आर्टिकल को अमेंड किया गया था ये भी याद रखना है थ्री और इसको अमेंड करके एक नया आर्टिकल बेसिकली इसमें इंसर्ट किया गया था विच इज आर्टिकल थ्री ए इसको भी याद रखना है ओके और ये अमेंडमेंट हुई थी एट्टी नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 2003 ये नंबर 89 भी याद रखना है और ये नंबर 2003 भी याद रखना है ईयर भी याद रखना है और नंबर ऑफ अमेंडमेंट भी याद रखना है आर्टिकल 338 को अमेंड करके 338 लेकर के आए एट्टी नाइन अमेंडमेंट एक्ट के साथ 2003 में सारे फैक्ट्स याद रखने हैं पर्पस जो भी बेसिकली सेफ प्रोवाइड किए गए हैं शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या वो सेफ उनको मिल रहे हैं ठीक है उसको प्रॉपर इट करना अब इसका जो कॉम्पोजिशन होगा इसमें एक आपका चेयरपर्सन हो गया एक वाइस चेयरपर्सन हो गया और तीन और मेंबर हो मेंबर होंगे टोटल पांच हो गए ठीक है में चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन और जो भी मेंबर्स हैं उनका तीन ईयर्स का टर्म होगा टर्म याद रखना है डायरेक्टली पेपर के अंदर पूछ सकता है जो चेयरपर्सन होगा उसके पास यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होगा वाइस चेयरपर्सन के पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक होगा और बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके पास सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रैंक होगा बेसिकली रैंक जो है वो अथॉरिटी को डिफाइन करता है कहीं ना कहीं और सैलरी एंड जो भी अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो भी उसी हिसाब से होते हैं तो चेयरपर्सन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर वाइस चेयरपर्सन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और जो आपका बाकी के तीन मेंबर्स हैं सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रैंक उनके पास रहेगा ओके okay. उसके बाद जी चेयरपर्सन को आप अपॉइंट किन में से करोगे एमिनेंट सोशल पॉलिटिकल वर्कर्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ठीक है तो एमिनेंट जो बेसिकली सोशल पॉलिटिकल एरिया के अंदर इन्वॉल्व हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं ओके जी वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मतलब कि एक वाइस चेयरपर्सन बचा और आपके तीन मेंबर और बचे है ना तो टोटल चार एटलीस्ट टू शॉल थ्री बचा ना एक तो आपका चेयरपर्सन हो गया ये तो हम बोल रहे हैं कि शेड्यूल कम्युनिटी से आएगा उसके बाद भी जो वाइस चेयरपर्सन और तीन मेंबर बचे यानी कि चार मेंबर इनमें से भी दो जो है वो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के होने चाहिए एंड एटलीस्ट एक मेंबर जो है वो वुमेन होना चाहिए ठीक है तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है कॉम्पोजिशन की इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेर रिजर्व के ऊपर ये क्वेश्चन है आपका तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व सबसे पहले कहता है कि ये यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम का इनिशिएटिव है बड़ा इजी स्टेटमेंट है द नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व इज इंडिया फर्स्ट बायोस्फेयर रिजर्व ये इंडिया का पहला बायोस्फेयर रिजर्व है विच ऑफ द अब स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट पूछा है बेटा बहुत ज्यादा खेलता है यूपीएससी करेक्ट इन करेक्ट के अंदर और इस खेला में आपने फंसना नहीं है ठीक है आंसर यहां पर क्या होगा आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा इसीलिए आंसर ये होगा देखो यूनेप नहीं है ये बड़ा इजी मैंने आपको पहले ही बोला था वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेर रिजर्व किसके अंडर आता है यूनेस्को के अंडर आता है ठीक है ये यूनेस्को का प्रोग्राम है तो वन तो गलत हो गया और दूसरा बिल्कुल सही है पहला बायोस्फेर रिजर्व था नीलगिरी बायोस्फेर रिजर्व अपना बायोस्फे बायोस्फेयर रिजर्व के ऊपर भी हम एक लेक्चर करेंगे उसके अंदर जो हमारे बायोस्फेर रिजर्व हैं और जितने हमारे वर्ल्ड नेटवर्क में ने आते हैं वो भी हम देखेंगे एक मैंने लेक्चर आपके साथ टाइगर रिजर्व का करना है और एक बायोस्वे रिजर्व का करना है वो पेंडिंग है दोनों लेक्चर वो करेंगे अभी ठीक है डो नॉट वरी अबाउट दैट तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व बेसिकली एक इंटीग्रेशन प्रोग्राम है जिसमें लेते हैं कि भाई लोग जो आसपास रहते हैं उन बायोस्फेयर रिजर्व के उनकी डेवलपमेंट को सस्टेनेबल वे में कैसे रखा जाए कैसे नॉलेज शेयरिंग का काम किया जाए जिससे जंगल या बायोस्फीयर रिजर्व वाला जो एरिया है वो भी ग्रो करे वो भी प्रॉस्पर करे और वहां पर रहने वाले लोग भी प्रॉस्पर करें वहां पर भी पॉवर्टी रिडक्शन हो और ह्यूमन वेलबींग well में इंप्रूवमेंट हो 1971 में ये प्रोग्राम फॉर्म हुआ था और अराउंड 738 प्रॉपर्टीज हैं इसमें 134 कंट्रीज में से 12 इंडिया के अंदर है ओके एंड uh, पहला बायोस्फेयर रिजर्व uh, जो यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया था इंडिया में 2000 uh, में किया था एंड दैट इज योर नीलगिरी जो आपका तमिलनाडु कर्नाटक और केरला के तीनों स्टेट्स को कवर करता है फोर्थ क्वेश्चन विच वर्ड हैजिन सेलेक्टेड एज कॉलिन्स वर्ड ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन एओ के अंदर स्पेसिफिकली वो पूछ सकता है तो कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर क्या है ऑप्शन ए फ्लोटिंग बी क्राइसिस ऑप्शन सी इज मून लाइटिंग एंड डी इज क्वाइट क्विटिंग सो so आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी परमा क्राइसिस तो परमा क्राइसिस बेसिकली इज अ वर्ड और बेसिकली एक नाउन है और ये बेसिकली क्या डिफाइन करता है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी जब पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर या एक रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी काफी लंबे समय से चल रही हो और उसका एंड होने का कोई टाइम दिख न रहा हो सो द टर्म परमा क्राइसिस इज यूज ओके सो दिस इज योर कॉल वर्ड ऑफ द इ्वेंटी ट्वेंटी टू नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टोकू एमोंग पहला स्टेटमेंट है कि ये एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है दूसरा कि ये लोथास ट्राइब है भूटान में भूटान आपका जो नेबरिंग कंट्री है वहां पर इसको सेलिब्रेट करते हैं अगेन आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है सो so यहां पर आपका जो स्टेटमेंट uh, इनकरेक्ट है दैट इज योर ऑप्शन बी ठीक है इंडिया के अंदर ही एक पर्टिकुलर स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल तो है लेकिन ये भूटान में नहीं सेलिब्रेट होता बेसिकली नागालैंड का ये लोथास ट्राइब है और वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हर साल और अराउंड नाइन डेज का ये फेस्टिवल होता है तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे एपीएफसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन सेटेलाइट बेस्ड क्वेश्चन है साइंस वाला पार्ट आ गया एक तरीके से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिसर्ट टू साइट सैटेलाइट रिसर्ट टू सैटेलाइट से रिलेटेड स्टेटमेंट कंसीडर करना है पहला कि ये एक ऑल वेदर रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है टू टेक इमेजेस ऑफ द अर्थ अच्छा जी ऑल वेदर रेडार इमेजिंग सैटेलाइट दूसरा इसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ये न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली ये अनकंट्रोल्ड वे में अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर कर गया था ओके सो दैट दैट वाइज इज इट दॉ इन न्यूज तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है देखो आपका ऑप्शन सी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं ऑल वेदर रेडार इमेजिंग सैटेलाइट था और पीएसएलवी से ही हमने इसको लॉन्च किया था ओके दो हजार में इसको लॉन्च किया गया था एंड जैसे कि मैंने आपको बताया अनकंट्रोल्ड री एंट्री किया इसने अर्थ एटमोसफेयर में रिसेंटली रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है ऑल वेदर कैपेबिलिटी था हर वेदर में इमेजिंग कर सकता था एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एप्लीकेशन में इसका काफी ज्यादा यूज था पी एस एल वी पी सी ट्वेल्व से इसको लॉन्च किया गया था ओके एंड पी एस एल वी बेसिकली आपका एक फोर स्टेज लॉन्च व्हीकल है जिसके अंदर सॉलिड एंड लिक्विड दोनों प्रोपलशन होते हैं ओके okay? तो इतना बेसिकली रखोगे याद इसके बारे में तो सफिशियंट है नेक्स्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट एंड इट्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर पीपीपी प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आकर के एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं वहां पर प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा दूसरा कहता है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एडमिनिस्टर करता है इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ओके okay. आंसर होगा दोस्तों यहां पर सी अगेन दोनों स्टेटमेंट्स जो है, वो आपके करेक्ट सो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जो भी बेसिकली पीपीपी मोड में प्रोजेक्ट्स हैं सरकार प्लस प्राइवेट सेक्टर चाहे वो स्टेट है या सेंटर है जो भी है अपटू सेवेंटी फाइव परसेंट जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं या असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करेगा इंटरेस्ट फ्री लोन की फॉर्म में एंड बेसिकली जो अच्छे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स हैं उसको ये सपोर्ट करेगा एंड इसके जो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है सारी बजट वगैरह जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर देखता है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिमूवल ऑफ गवर्नर इन इंडिया अगेन गवर्नर एक ऐसा टॉपिक है जो न्यूज में रहते ही रहता है ठीक है इसके ऊपर डिबेट मल्टीपल गवर्नर के जो प्रोफाइल है ना इंडिया में ये एक ऐसी प्रोफाइल है और स्पेशली पिछले तीन चार पांच सालों में आप देखोगे तो ये कंटिन्यूसली न्यूज में रहता है गवर्नर का प्रोफाइल क्योंकि जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है रिमूवल प्रोसेस है वो ऐसा है कि दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इन पावर ओके तो वो इस वजह से न्यूज के अंदर रहता है पहला स्टेटमेंट है कि द द विद एड एंड एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू रिमूव अ गवर्नर गर एनी रीजन पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि भाई प्रेजिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइस से गवर्नर को कभी भी हटा सकती है उसको कोई रीजन दिए बिना गवर्नर को कोई रीजन भी देने की जरूरत नहीं है प्रेजिडेंट को दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत के संविधान में गवर्नर को इंपीच करने का कोई प्रोविजन नहीं है इंपीचमेंट जैसे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट होती है या वाइस प्रेसिडेंट की होती है वो वाला कोई सिस्टम नहीं है दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है आपको पता कौन सा स्टेटमेंट अगेन करेक्ट है इजी क्वेश्चन है अगर पॉलिटी पड़ी हुई है तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है इसी वजह से ये सबसे ज्यादा और जो है क्रि इसका क्रिटिसिज्म रहता है गवर्नर की पोस्ट का तो देखो गवर्नर की जो पोजिशन है ठीक है तो आर्टिकल 155 और 156 क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कि गवर्नर को कौन करेगा प्रेसिडेंट और ये जो गवर्नर है ना ये ऑफिस में कब तक रहेगा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जहां पर ये टर्म आ गई ना प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इसका मतलब है कि किसी की कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है प्रेजिडेंट का प्लेजर है प्रेजिडेंट जब तक चाहे रखे जब चाहे प्रेजिडेंट हटा दे ओके okay, तो पांच साल का नॉर्मली हम बोलते हैं कि गवर्नर का टर्म है लेकिन प्रेसिडेंट पांच साल से पहले भी अपने प्लेजर को विदड्रॉ कर सकता है बोल सकता है कि नहीं भैया हम तुमको नहीं चाहते तो गवर्नर को हटना पड़ेगा और इस केस में प्रेसिडेंट देखो प्रेसिडेंट क्या है प्रेसिडेंट खुद से तो कोई डिसीजन लेता ही नहीं भारत में है ना बहुत कम एरियाज हैं जहां पर प्रेसिडेंट अपना खुद का डिसीजन लेकर के चलता है अब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी कि बेसिकली जो केंद्र सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट है एक तरीके से वो गवर्नर के अपॉइंटमेंट और रिमूवल के लिए एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को और प्रेजिडेंट को वो माननी पड़ती है ठीक है जो आर्टिकल 74 में लिखा है ना कि प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो गवर्नर के केस में प्रेसिडेंट को केंद्र सरकार की बात माननी पड़ती है तो अगर सरकार ने बोल दिया कि इस गवर्नर को हटाओ तो प्रेसिडेंट को हटाना पड़ेगा अगर सरकार ने बोल दिया इसको अपॉइंट करो तो प्रेजिडेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा ठीक है जी और जब ये हो रहा है जब रिमूवल हो रहा है तो प्रेसिडेंट को या सरकार को और गवर्नर को कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं है कि भाई हम इस वजह से तेरे को हटा रहे हैं या इस वजह से जैसे काफी सारे केसेस में क्या होता है यू गिव अपॉर्चुनिटी टू समवन कि भाई हम तेरे को हटा रहे हैं क्योंकि ये ये तूने गलत काम किया है इसीलिए हम तेरे को हटा रहे हैं तो तू अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए आकर के एक बार हमसे बात कर ले बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड ठीक है कि हाँ भाई आप अपने आप को सही प्रूफ कर दो तो फिर हम ये डिसीजन नहीं लेंगे बट गवर्नर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता अगर सरकार को हटाना है तो हटाए फिर गवर्नर ये नहीं कह सकता देखो मेरे से तो बात ही नहीं करी क्योंकि वो है ही नहीं प्रोविजन ठीक है अब गवर्नर की जो ड्यूटीज होती हैं वो एक स्टेट से रिलेटेड होती हैं गवर्नर तो स्टेट का होता है ना तो इम्पीचिंग इंपीचमेंट का तो कोई सिस्टम ही नहीं होता पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर को इम्पीचमेंट का कोई वो नहीं होता और जो गवर्नर को रिमूव करने का डिसीजन है दो उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हो लेकिन जनरली वो नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट पावर्स होती हैं ओके सो दीज वर द क्वेश्चन गाइस आई होप दैट यू लाइक दैट एंड टाइगर रिजर्व और बायोस्या रिजर्व वाला लेक्चर हमारा पेंडिंग है वो हम करेंगे डो नॉट वरी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर पीडीएफ के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हो 99 नाइन रुपीज की उससे बेहतर मैं आपको कहूंगा कॉम्बो कोर्स के ले जाओ जो आपको आफ्टर यूजिंग यूपीएससी पी जो टेन परसेंट ऑफ आपको सॉरी फिफ्टी परसेंट ऑफ मिलता अराउंड थ्री हंड्रेड रुपीज का वो कोर्स पड़ता है okay? ओके उसमें आपको फाइव हंड्रेड प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन के गैप के मिलेंगे सोशल सिक्योरिटी के मिलेंगे वो एक बेटर ऑप्शन है ओके एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट विल सीन द नेक्स्ट क्लास टेक केयर एंड